अगर आप महादेव के दीवाने, अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम जानते हैं तो बासुकीनाथ भी जरूर जानते होंगे। देखिए ये शिवगंगा है और आज काफ़ी पूर्णिमा में हम पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ धाम दर्शन करने के लिए। शिवगंगा में अभी स्नान करके हम देखिए कतारबद्ध लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और अभी यहाँ देखिए भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरी वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि बाबा बासुकीनाथ का मंदिर कैसे है और यहाँ पर कैसे दर्शन पूजा किया जाता है। आप पूरी वीडियो में बने रहें। आज कार्तिक पूर्णिमा में आप भी बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अभी हम कतारबद्ध लाइन में बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं हमारे साथ कितने भक्त यहाँ पे है जो लाइन से मंदिर की ओर प्रवेश कर रहा है। ये यहाँ पे सभी भगवान का यहाँ पे है लगा हुआ पत्थर में और ये देखिए यहाँ पे भी लोग जल अर्पण करते हैं। आगे फिर मैं धीरे धीरे कतारबद्ध जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से मंदिर दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं बाबा बासुकीनाथ और माँ पार्वती जी का मंदिर है और यहाँ से फिर हम धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको पूरी वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और देखिए बाबा बासुकीनाथ का गर्भगृह है, यहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग में लोग जल चढ़ाने के लिए कैसे काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। हम अंदर आ चुके हैं और हम यहाँ पर जल चढ़ा के और यहाँ से आपको बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं वो आपको दिख रहा होगा शिवलिंग है और मैंने साइड में भी यहाँ पे शिवलिंग लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं अच्छे से बाबा बासुकीनाथ का शिवलिंग है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भक्त है। और ये अब आ चुके हैं हम यहाँ पे माँ पार्वती का मंदिर, यहाँ पे मैया पार्वती मंदिर में ये जो आपको भीड़ दिख रहा होगा ये कतार, ये माँ पार्वती मंदिर के अंदर जाने के लिए सब देख सकते हैं। ये माँ पार्वती का मंदिर है और बाबा बासुकीनाथ का ये मंदिर है और यहाँ से सब कोई अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं छोटी सी द्वार है उसी द्वार से अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ से निकल चुके हैं और ये भक्त हम जल चढ़ा के निकल गए और ये भक्त सब जो है अभी लाइन से कतारबद्ध होकर के और जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए अंदर। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। आज भी पावन कार्तिक पूर्णिमा है इसी के लिए आज मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सामान को सुरक्षित कर लें, उसके बाद ही मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं और अपने साथ कोई भी सामान जैसे रुपया पैसा घड़ी मोबाइल अथवा सोने चांदी के गहना जेवर को बांध कर या साथ में लेकर मंदिर के भीतर प्रवेश करें। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये बेलपत्र है और बेलपत्र में राम राम लिखा हुआ है, राम राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाने का एक अलग ही महत्व है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बेलपत्र में राम राम लिखा हुआ है और ये
हर हर महादेव।